Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi. This is fcxr teacher of Excel classes. Welcome to you all on my YouTube channel, Excel classes. Excel. So, my dear students, how are you all? I hope you all are good. So now, today we are going to start a uh, chapter electricity, half part of Bihar board. जैसा कि हमने बिहार बोर्ड का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले ही जिसमें आधा पार्ट वीडियो अपलोड है इसका आधा पार्ट ये वीडियो में रहेगा और इस वीडियो में हम लोग जो वहाँ छूटा हुआ था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद इस वीडियो के बाद जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे फिजिक्स का तो उसमें सी बी एस ई एंड बिहार बोर्ड दोनों का एन सी आर टी का क्वेश्चन एक साथ सॉल्यूशन डालेंगे उसके बाद इसके बाद एक अगला वीडियो बनेगा जिसमें नंबरिकल टाइप क्वेश्चन का हम लोग जिक्र करेंगे तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट आज का जो हमारा चैप्टर है वह है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट सब बाकी रह गया है वहाँ से उससे आगे हम लोग पीछे वाले चैप्टर में विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभाव विभवान्तर यानी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जान चुके हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या तो पहला हमारा टॉपिक है अल्टरनेट करेंट यानी प्रत्यावर्ती धारा अब ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन जानना जरूरी है कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है तो बच्चों याद रखिए कि जब किसी खास समय तक धारा एक ही दिशा में और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती है तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं ठीक है इसे संक्षेप में ए सी लिखते हैं यानी कि एक लाइन में कहा जाता है जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला जो सामान जो हम यूज करते हैं जो जिसको हम लोग कहते हैं बिजली पे चलने वाले यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइन पे जो चलने वाली सामान जो होती है वही हमारा एक तरह तो से कहलाता है अल्टरनेट करेंट ए सी वही हमारा क्या होता है एक ए सी होता है ये आपका बिजली पोल पर से जो मिलता है उस सब चीज़ का होता है ठीक है दूसरी बात दृष्ट धारा जाने की धारा में कहा है कि विद्युत परिपथ में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं यानी इसको शॉर्टकट में यहाँ पे नहीं लिखे ब्रैकेट में लिख चुके हैं कि डी डायरेक्ट करंट कहा जाता है तो याद रखिए अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में मेनली अगर अंतर देखा जाए तो डायरेक्ट करंट क्या होता है कि फ़िक्स वोल्टेज देती है जबकि अल्टरनेट करंट का वोल्टेज फिक्स नहीं होता यानी उसका वोल्ट बढ़ता करता रहता है लेकिन डायरेक्ट करंट का जो होता है वो वो क्या होता है वोल्ट फिक्स होता है इसका हम आगे एक पिक्चर फोटो वगैरह भी देखेंगे मतलब कैसे क्या नहीं है सारा चीज़ अब है अगला हमारा चालक कंडक्टर क्या होता है तो याद है कि कंडक्टर मतलब ऐसा सामान जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो सके यानी ऐसा पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से एक जो से जा सकता है उसी को हम लोग कहेंगे कंडक्टर ठीक है चालक कहा जाता है एग्जाम्पल सोना चांदी तांबा पीतल लोहा इत्यादि तो फिर एक बात और याद है कि सबसे अच्छा कंडक्टर विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होगा वो होता है हमारा क्या चीज़ चांदी अगला है अचालक अचालक का मतलब होता है इंसुलेटर यानी ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाह नहीं हो सकता है अचालक क्या मतलब जिससे होकर करंट पास ही नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग कहेंगे अचालक जैसे सल्फर कांच प्लास्टिक लकड़ी इत्यादि रबर वगैरह सब आ जाते ये सब इससे क्या होता है इंसुलेटर होता है अगला हमारा टॉपिक है अर्धचालक नाम से के लिए अर्ध मतलब आधा यानी सेमी कंडक्टर तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर थोड़ा बहुत विद्युत का चालन हो और चालक कह रहा मतलब ना के बराबर जैसे एग्जाम्पल में क्या जर्मेनियम सिलिकन जो कंप्यूटर वगैरह का जो चिप वगैरह आता है मोनिटर वगैरह सब बनाता है उसको हम ये सब कहते हैं अगला हमारा अति चालक सुपर कंडक्टर अति मतलब बहुत ज़्यादा सुपर तो ऐसा पता जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है यानी इसमें रुकावट लगभग होता ही नहीं ना के बराबर रुकावट हो उसे अति चालक कहते हैं इस घटना को अति चालकता कहा जाता है चलिए ये फोटो देखिए पहला फोटो जो ये है ये है आपका किस चीज़ का फ़ोटो तो ये फोटो आपको इंडिकेट करता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा यानी डायरेक्ट करंट का पिक्चर हो गया जो बिजली वगैरह से प्राप्त होता है लेकिन इसको भी हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर मतलब कि एम्पलीफायर वगैरह लगा करके डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगला पिक्चर को ध्यान से देखिए बैटरी ये हर एक बैटरी जो है वो वन पॉइंट फाइव वोल्ट का है और सब मिला करना है सिक्स वोल्ट यानी फिक्स वोल्ट हमको मिल रही है तो ये हमारा दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल हो गया ना नेक्स्ट अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है तो ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है वो हमारा क्या होता है कि नमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है तो नोमेिकल टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे हमारा जो अगला जो नियम है वो है ओम का नियम यहाँ से हमारा फॉर्मूला वगैरह ड्राइव होगा जिससे बहुत सारे नोमेिकल टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो चलिए जानते हैं ओम का नियम क्या है लॉ ऑफ ओम ओम का नियम परिभाषा में लिखे कि स्थिर ताप सॉरी गलती से है हाँ स्थिर ताप सही है स्थिर ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उससे होकर बहने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है इसी को ओम का नियम कहते हैं स्थिर ताप मतलब हो गया नियत टेम्परेचर भी कह सकते हैं यानी जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अगर कोई चालक है यानी कोई कंडक्टर है उसका सिरा का बीच का विभवान्तर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तथा उससे होकर जो बहने वाली धारा होगा वो सीधा समानुपाती होगा मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवान्तर का मान अगर बढ़ेगा

ओम के नियम को सत्यापन कैसे करेंगे अब इसका प्रूफ पूछता है बिहार बोर्ड में ये पाँच अच्छे नामों में क्वेश्चन पूछता है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं इसको सत्यापित कीजिए तो जब इसकी सत्यापित करने की बात आएगी तो प्रूफ करना होगा तो यहाँ पे प्रूफ तो इसका एक्चुअली प्रूफ नहीं है इसका एक्चुअली प्रूफ है क्लास ट्वेल्थ में लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूफ कर सकते हैं मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होगा तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान को जरूरत पड़ेगी जो चित्र के अनुसार पहले विद्युत परिपथ पूरा कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान से अब ये चित्र क्या है वो चित्र देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए इसमें क्या है एक रजस्टेट लगा हुआ है ए मीटर लगा हुआ है वोल्ट मीटर लगा हुआ है रेसिस्टांस है ये सारा चीज़ लगा लेना है और उसके बाद जैसा कि ये हमारा फिगर दिखा रहा है इस फिगर की तरह से पूरा सेटअप तैयार कर लेंगे सेटअप तैयार करने के बाद स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद ए मीटर से तार से होकर बहने वाली धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट कर लेंगे फिर सेलों की संख्या बढ़ाएंगे यानी बैटरी की संख्या बढ़ा करके फिर स्विच ऑन करेंगे फिर स्विच ऑन करके ए मीटर से धारा का मान तथा तो वोट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेंगे और तब हमारा ये निष्कर्ष निकलेगा कि जितना गुना सेलों की संख्या में वृद्धि का मतलब बढ़ाएंगे उतना ही गुना मतलब जितना गुना विभवांतर का मान बढ़ा उतना ही गुना हमारा क्या होगा विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा और इस तरह से मेरा ओम का नियम सत्यापन हो जाएगा इस सत्यापन को देखने के लिए एक प्रूफ देखिए जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखा रहे हैं इसके द्वारा हम आप समझ सकते हैं आसानी से ठीक है इस फिगर को ध्यान से आप देखिएगा आसानी से समझ में आ जाएगी ठीक है थोड़ा सा वेट कर लीजिए देख रहे हैं चलिए ध्यान से देखिए सर्किट डायग्राम में पहला वाला डायग्राम में हम 1.5 वोल्ट का दो गो बैटरी लिए तो डेढ़ दूना तीन वन पॉइंट फाइव इंटू टू इज इक्वल टू थ्री वोल्ट तो थ्री वोल्ट का क्या है हमारा बैटरी हुआ और टोटल रेसिस्टांस कितना है तो सिक्स ओम है तो बाबू याद रखना है कि करंट यानी आई का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा भी अपॉन आई हो सॉरी वी अपॉन आर होता है यानी आई जो कॉल टू वी बट्टे में आर द तो वी का मतलब हो गया वोल्टेज एंड आर का मतलब होता है रेसिस्टांस जो हम आगे और देखेंगे तो जब ये हम तीन बट्टा में छः करेंगे तो वन बाई टू आएगा वन बाई टू का मतलब हो गया कितना जीरो पॉइंट फाइव एम फिर बैटरी की संख्या को हम क्या किया इंक्रीज कर दिए दो के जगह पे चार गो बैटरी ले लिए जब चार लिए तो 1.5 पॉइंट फाइव गुने फोर यानी सिक्स वोल्ट हो गया अब सिक्स वोल्ट हुआ तो छः ओम तो पहले से भी इलेक्ट्रिक करंट था रेसिस्टेंस था तो छः वटा में छः यानी वन एम पी है फिर हम लोग बैटरी की संख्या और बढ़ा दी बैटरी की संख्या अब छः कर दिए तो छः गुने वन पॉइंट फाइव इजिक्वल टू नाइन वोल्ट नाइन वोल्ट के बटा में सिक्स लेंगे तो वन पॉइंट फाइव एम पी है फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हम बैटरी की संख्या बढ़ा रहे हैं मतलब वोल्ट मेरा बढ़ रहा है वैसे ही क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है दुगुना किए थे ठीक है तो यहाँ पे देखिए जीरो पॉइंट फाइव का दुगुना एक हो गया फिर पहला का तिगुना किए तो जीरो पॉइंट फाइव का भी तिगुना मतलब जितना गुना हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना ही गुना मेरा इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है और इस तरह से हमारा ओम का नियम सत्यापित हो गया याद रखिए कि ओम का नियम को सत्यापित करने के लिए ये ग्राफ जो बगल में दिख रहा है ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है ये ग्राफ के माध्यम से ही आप प्रूफ कर पाइएगा ग्राफ बना देना क्योंकि ग्राफ जो होता है वो बीच लाइन से क्रॉस करता है अब ओम के नियम को सत्यापित करने जाएंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ याद रखना है कि ओम के नियमों को सत्यापित करने के लिए आपको तार ले लेना है आधा मीटर जीरो पॉइंट फाइव मीटर या पचास सेंटीमीटर कह सकते हैं और चार को बैटरी वन पॉइंट फाइव वोल्ट वाला ले लेंगे चार के छः को ले लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस तरह से आप ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं अब अगला है हमारा प्रतिरोध इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस क्या होता है अगर चालक का वह गुण यानी किसी भी कंडक्टर का वैसा गुण जिसके कारण वह अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है इट मीन रुकावट पैदा करता है प्रतिरोध कहलाएगा समझिए बारीकी से कि प्रतिरोध क्या कहेंगे जब कोई भी चालक उससे जो होकर के जो इलेक्ट्रिक करंट बह रही है उसका वो क्या करता है रुकावट उसमें उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो प्रति रोध कहेंगे जैसे एक पाइप ले लीजिए पाइप से पानी बहती है तो उसका क्या होता है उसमें अगर दबाव हुआ दीजिएगा या उसका एरिया कम होगा उसमें रुकावट पैदा होगा यही हमारा क्या कहलाता है तो प्रतिरोध कहलाता है जहाँ प्रतिरोध में याद रखना है भी बराबर आई आर ये ओम के नियम से जानते थे तो जहाँ आर क्या था मेरा कॉन्स्टेंट टर्म था ठीक है और भी का मतलब विभवान्तर और आय का मतलब विद्युत द्वारा अगर यहाँ पे हम आर को अकेला करें तो सिंपल सी बात है भी अपॉन आई आ जाएगा प्रतिरोध का असाय मात्रक ओम होता है यह या आपको याद रखना है ये ओम के नियम ने सत्यापित किया था इसीलिए प्रतिरोध का असाय मात्रक भी ओम होगा अब है एक ओम की परिभाषा यानी वन ओम वन ओम क्या होगा तो जब किसी चालक तार के शीरों के बीच एक वोल्ट विभवान्तर तथा उससे उसका बहने वाली धारा अगर एक एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध एक ओम कहलाता है मतलब क्लियर है कि एक ओम के लिए क्या करना पड़ेगा जब किसी चालक से अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर वन वोल्ट हो ठीक है और उससे होकर बहने वाली अगर इलेक्ट्रिक करंट का भी मात्रा अगर वन एम्पियर हो तो उस प्रतिरोध को हम लोग एक ओम के नाम से जानेंगे यानी एक ओम कहेंगे प्रतिरोध का फिगर यहाँ पर हम दिखा दिए प्रतिरोध का फिगर मेरा यही जो रेसिस्टांस कहते हैं ये मेरा क्या है प्रतिरोध का फिगर है ठीक है चलिए अगला बात देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है यानी कौन कौन से बात पर निर्भर करता है तो ये निम्नलिखित बात है निम्नलिखित बात में से हम लोग पहला देखते हैं चालक की लंबाई मतलब कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और घटने पर घटता है यानी जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा चालक मतलब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा यानी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दूसरा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी कि चालक का जो एरिया होगा उस पर भी डिपेंड करता है यानी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को बढ़ाने पर उस चालक की प्रतिरोध घटता है और घटाने पर बढ़ता है मतलब क्या कहने का मतलब हो गया कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ठीक है एक का मतलब क्या है कि अगर एरिया ऑफ प्रोस्ट्रक्शन अगर बढ़ाते हैं ठीक है यानी चालक तार अगर जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा यानी जैसे एक पानी का पाइप का एग्जाम्पल ले लीजिए अगर पानी का पाइप मोटा है तो पानी आसानी से बहता है लेकिन पतला पाइप होगा तो थोड़ा सा रुकावट पैदा करेगा अगला बड़ा पॉइंट है चालक की प्रकृति यानी चालक के नेचर पे भी डिपेंड करता है यानी अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है अगला है चालक के ताप पर यानी टेम्परेचर पे चालक पदार्थ का ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है और घटने से घटता है यानी टेम्परेचर के मायने भी रखता है तो यहाँ पे समीकरण एक तथा दो से हम क्या देख रहे हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और बट्टे में ए यानी यहाँ पे वन बाई ए होना चाहिए तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए ठीक है जिसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाना चाहिए तो रो एल वाई ए होना चाहिए था एल वाई ए यहाँ पे दिखने रहे एल वाई ए होना चाहिए था जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे तो रो कहेंगे इसको बता दे रहे हैं थोड़ा चलिए यहाँ पे देख रहे थे क्या चीज आर ये जो आर जो दिख रहा है ये आर जो है वो मेरा क्या है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए होना चाहिए था ठीक है यानी एल वाई ए जब ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो मेरा आर जो हो जाएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बटे में ए ठीक है यहाँ से क्या निकल गया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये रो जो होता है उस रो को क्या कहेंगे तो इस रो को अगर हम यहाँ से अकेला करें क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्राइन यानी समानुपाती का सिंबल अगर हटाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको एक कोई कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा तो यहाँ पे तो फिलहाल रो ये जो दिख रहा है पी के जैसा है। ये आर एच ओ रो है ठीक है इस रो को तो हम कॉन्स्टेंट बनाए थे इस रो को अगर हम अकेला करेंगे तो सिंपली समझिए ये, ये आर जो वो रहेगा ही ए नीचे में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और यहाँ से जो एल था ऊपर वो एल आ जाएगा नीचे मतलब रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बाय में एल और इस रो को ही कहा जाता है क्या चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता का डिफिनेशन देखिए अंदर लिख रहा है कि एक मीटर चालक तार का अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर हो तो उसके प्रतिरोध को उसका प्रतिरोधकता कहा जाता है और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हम लोग यहीं से क्रिएट कर लेंगे क्योंकि आर रेसिस्टांस प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम ठीक है और यहाँ पे क्या है एरिया एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर ठीक है और जब मीटर स्क्वायर हो जाएगा नीचे में एल है एल का मतलब भी क्या हो जाना चाहिए मीटर तो एक एम से अगर एक एम काट दे तो फाइनली मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा ओम प्रति सॉरी ओम मीटर ये मेरा क्या हो जाएगा प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक हो जाएगा तो इसी प्रतिरोधकता को लिखा जाता है रो से तो रो बराबर हो गया आर ए बाई में एल जिसका हम लोग प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक भी निकाल लिए ये हम आगे लिख दे रहे हैं ठीक तो है तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है तो ओम मीटर होता है ठीक है अगला टॉपिक हमारा है व्याख्या तो यहाँ पे फिर यही रो के बारे में जो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन दे दिए थे वही रो के बारे में एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे उसके याद है कि जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता का मान जितना कम होगा वह उतना ही विद्युत का अच्छा चालक होगा और जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता का मान जितना कम अधिक होगा वह विद्युत का उतना अच्छा चालक नहीं होगा यानी कि वो कंडक्टर अच्छा है या नहीं ये उसकी प्रतिरोधकता डिसाइड करता है चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोध को हम लोग कैसे जोड़ेंगे प्रतिरोध को जोड़ने का प्रोसेस क्या है तो प्रतिरोधों का संयोजन के लिए याद रखिए कि, कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं यानी विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध को जोड़ा जाता है इसी को क्या हम लोग कहते, है? कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं ठीक है प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होगा पहला श्रेणी क्रम और दूसरा पासर क्रम होता है तो पहले हम लोग क्रम संयोजन को जानते हैं तो लिखें कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को फिर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर को और फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाए और इसी क्रम में अगर पूरा का पूरा जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं व्यंजक याद रखना है भी बराबर भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री अगर है तो यहाँ से भी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ओम के नियम से आई आर होगा तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री ठीक है अगर आई आर आई कॉमन ले ले तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यहाँ से अगर आई सी आई कट जाएगा तो बच गया आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यही हमारा टोटल जो है रजिस्टांस का वैल्यू देगा जिसमें समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है तो संतुल्य प्रतिरोध का जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मतलब हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है और उसके बाद याद रखना है कि एक बात जिस नोट पॉइंट्स सब है कि श्रेणी क्रम में जब संयोजन जो जोड़ा जाता है तो उसे धारा का मान सेम रहता है जैसा कि हम आई सब में सेम लिए इलेक्ट्रिक करंट का मान वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा अगला है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग होगा यानी भी का वैल्यू अलग अलग होगा इसीलिए हम लोग लिखे हैं भी वन प्लस भी, भी का वैल्यू क्या है अलग है अगला है श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होगा सिंपल सी बात आप देख सकते हैं कि आर का जो वैल्यू है वो आर वन प्लस, प्लस आर थी तो बात है आर वन आर टू आर थ्री तीनों को जोड़ेंगे तो आर वन जो भी होगा और आर टू योग आर्थिक जो है जब तीन को चीज होगा तो सिंपल सी बात है कि तीनों से बड़ा तो होना ही कन्फर्म है तो इसीलिए समतुल्य प्रतिरोध में क्या होगा आर का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा ठीक है और समांतर क्रम या क्रम संयोजन क्या है पैरल कॉम्बिनेशन करें जब प्रत्येक प्रतिरोध के पहले छोर को एक बिंदु पर और दूसरे सभी छोरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं तो पहले श्रेणी क्रम का फिगर देख लीजिए श्रेणीक्रम का फिडर देखिए जैसे यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री जुड़ा गया था मान लीजिए इधर प्लस है इधर माइनस है राइट साइड में लेफ्ट साइड में प्लस है राइट साइड में माइनस तो है तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस करके कंबाइन किया गया है ये हमारा श्रेणी क्रम का फोटो है अब अगला देखते हैं हम लोग क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन को समांतर क्रम संयोजन क्या है तो क्रम संयोजन देख लीजिए कि सारे के सारे तार एक तरफ मतलब निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ तो याद रखना है इसमें क्या होगा कि इसका प्रूफ करने के लिए व्याख्या करने के लिए हम अगर आई भी लेते हैं तो आई मान लो ले लिए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू जैसे हम लोग लिखे हुए हैं कि i बराबर क्या हो जाएगा i1 वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तो i का फॉर्मूला अब हम लोग जानते हैं अभी था क्या था वी बराबर आई आर तो यहाँ से अगर अकेला करेंगे i को तो हो जाएगा वी बाई में r ठीक है तो वी वाई में r जब ये हो जाएगा तो सिंपल सी बात i बराबर हो गया वी बट्टा में r तो यहाँ से वी बट्टा आ रहा है तो आई वन के जॉब हो जाएगा वी वन सॉरी वी बाई में आर वन प्लस वी वाई में आर टू प्लस वी वाई में आर थ्री फाइनली अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से हम भी कॉमन ले सकते हैं ऊपर में इस हिसाब से क्या बन जाएगा मेरा भी अपॉन में आर इज इक्वल टू बन जाएगा भी अगर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री ठीक है ये आर थ्री है जब ये ऐसा बनेगा तो समझिए ये भी से ये भी कट जाएगा यदि ये भी से ये भी कट गया तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आएगा वन बाई वन बाई आर इसको यहाँ पे आप पी भी लगा सकते हैं यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से वन बाई आर बड़ा बन जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री यही हमारा क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया जिसपे हमारा नमरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनेगा ठीक है तो वन बाई आर पी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री ये हमारा हो गया समांतर क्रम का क्या चीज़ तो फार्मूला अब अगला हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या क्या है तो सिंपल समझिए ये सब ये सब कुछ नहीं ये कैलकुलेशन जो हम करके बता दी वही था आरपी का मतलब समतुल्य का जो कैलकुलेशन पहले बता दिए याद रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा बहती धारा का मतलब आय का वैल्यू सेम था जिसके वजह से हम लोग क्या किए थे कि आय को हम लोग नॉर्मली लिए थे ठीक है जो तीनों को जोड़ते थे समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का विभांतर का समान होता है भी का वैल्यू भी क्या होता है सेम रहता है उसके बाद समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होगा तो अब इसी से बात है जब बट्टा में जाएगा तो छोटा तो होना कंपलसरी है अब अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम से क्या लाभ है यानी नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग वगैरह होती है वो समतुल्य में न हो सॉरी श्रेणी क्रम में न होकर के समांतर क्रम में होता है तो समांतर क्रम में होने के फायदे क्या है या क्यों होता है याद रखना है कि समांतर क्रम संयोजन के बहुत सारा फायदा होता है पहला बात कि इससे समान भी भानता प्राप्त है जिससे परिपथ में लगी अगर कोई एक युक्ति खराब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि घर में अगर बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है अगर गलती से कोई एक बल्ब खराब हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दूसरा बल्ब तो जलते रहता है बट कंडीशन क्या होता है कि अगर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो अगर गलती से भी एक बल्ब खराब हो गया या बंद हो गया तो बाकी सारा का सारा बल्ब बंद हो जाता है तो ये समांतर क्रम में ऐसा नुकसान देखने को नहीं मिलता है अगला इस संयोजन में ऊर्जा की हानि so, कहानी लिखा गया गलती से इस संयोजन में ऊर्जा की हानि भी बहुत कम होता है यानी ना के बराबर होता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है अगला पॉइंट है क्या चीज़ तो सो देख लेते हैं तो पहली बात ये दो कारण से क्या होता है कि इसमें हम लोग पासवर्क संयोजन यूज करता है पासवकर्म का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हैं जैसे आई वन आई टू आई थ्री करके दिए आर वन आर टू आर थ्री है अलग अलग है ठीक है तो ये हमारा क्या होता है कि आराम से बह सकती है ठीक है यहाँ पे जो हम ऊपर वाला जो पहला पॉइंट समानता समान संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध से और समान लिखा गया वो एक्चुअली में क्या होता है कि असमान धारा बहती है और समान नहीं बल्कि वो असमान है गलती से लिखा गया वहां पे ठीक है तो इसको आप सही कर लीजिएगा ये जो लाइन यहाँ पे और समान जो दिख रहा है यहाँ पे होगा असमान ठीक है असमान यानी क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से असमान धारा बहती है यानी समान धारा नहीं बहती है चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले से आपको दिख रहा है कि ए मीटर और वर्ल्ड मीटर हम लोग क्या देखने वाले हैं अंतर देखने वाले हैं यानी डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वर्ल्ड मीटर लिख विदे की प्रश्न में है कि ए मीटर था वर्ल्ड मीटर में अंतर बतावे क्या अंतर है तो सिंपल सी बात है ए मीटर वोल्ट में कुछ खास अंतर नहीं एकदम मशीन है तो सिंपल सी बात है नॉर्मल देखना है पहला बात कि ए मीटर विद्युत धारा को मापेगा दूसरा वर्ल्ड मीटर जो है दो बिंदु के बीच का विभवांतर को मापेगा तीसरा दूसरा पॉइंट इसका देखेंगे कि ए मीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में यानी एक तार पे जोड़ा जाता है लाइव वायर पे जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो लाइव एंड मीट मतलब न्यूट्रल वायर के साथ साथ लाइव वायर दोनों वायर पे जोड़ा जाता है यानी कि क्रम में जोड़ा जाता है या समानता क्रम में कह सकते हैं ए मीटर का मीटर स्केल एम्पियर होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजरमेंट किया जाता है वो एम्पियर में किया जाता है और वोल्ट मीटर का मीटर स्केल वोल्ट होता है यानी कि विभवांतर का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है मीटर सॉरी वोल्ट में होता है ठीक है अगला टॉपिक हमारा क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट नाम से ही कह रहे हैं कि जब हीट करता है कोई भी चीज़ हीट करता देखते है देखते हैं मशीन साहब जब लगातार बहुत देर चलता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है या तार भी गर्म होती है तो ये क्या है देखिए कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहता है तो वो गर्म हो जाता है इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव तो याद रखना है कि इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखते लेकिन ये नियम दिए थे जूल साहब इसीलिए हम जो जूल का नियम भी स्पेशल पढ़ेंगे तो लिखें कि चालक में आरोपित विभवांतर के अधीन यानी जो चालक में जो विभवांतर है उसके अधीन जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है तब परमाणु से उनकी बार बार टक्कर होती रहती है यानी परमाणु से बार बार टकराता रहता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा विद्युत क्षेत्र से प्राप्त विद्युत ऊर्जा खो देता है और यह ऊर्जा चालक के उन कणों को मिलता है जिन से इलेक्ट्रॉन टकराता है जिसके कारण उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है यानी इसको समझिए बारीकी से कि अगर कोई वायर है इसका एक फिगर के द्वारा हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं सपोज करते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या इतना मोटा वायर है ठीक है और यहाँ से ये जो प्लस वाला है ठीक है इससे होकर क्रॉस किया जब यह अंदर में जाएगा तो इधर टकराया फिर इधर टकराया फिर इधर टकराया इधर टकराया इधर टकराया ऐसे यह टकराता टकरा, टकरा जाएगा अब अब इसी वाले जब अंदर टकराएगा कोई चीज़ तो टकराएगा तो कुछ ना कुछ हद तक नुकसान होने वाला है यानी जो एनर्जी इसमें नुकसान हो रही है जो एनर्जी इसमें नुकसान हो रहा है वही ऊर्जा क्या होता है कि उस चीज़ को गर्म करने में खर्च होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से यानी ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं यानी नहीं तो बना सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय नहीं विनाश कर सकते हैं तो इस नियम के मुताबिक ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो सकता है बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है तो यहाँ पे जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से टकरा रही है इसका मतलब क्या रहा हो रहा है कि ऊर्जा जो है हानि हो रहा है नुकसान हो रहा है तो ये ऊर्जा जाएगा कहाँ तो यही ऊर्जा उस सामान को गर्म करने में खर्च हो जाता है जिस चीज़ का हम यहाँ पर व्याख्या किए हैं चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक इसी का नाम पड़ जाएगा क्यों चाहिए इसके बारे में जूल साहब बताएंगे जिस वजह से इस नियम का नाम पड़ जाएगा ऊर्जा का जूल का नियम मतलब हो जाएगा जूल का नियम क्या था जूल साहब का तीन नियम दिए थे उन्होंने जो ये हीटिंग इफेक्ट से है पहला नियम उसका क्या कहता है तो पहला नियम को जान लेते हैं हम लोग कि किसी चालक में उत्पन्न उष्मा उससे होकर बहने वाली धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है डेट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न उष्मा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है प्रतिरोध को आर से लिखते हैं तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अगला क्या है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय के सीधा समानुपात होते एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टी अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड समीकरण एक दो तथा तीन से अगर ध्यान देते एच एच कॉमन लेंगे तो एच बराबर मेरा फॉर्मुला बनेगा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी और एच को ही क्यों भी कहा जा सकता है चार्ज भी कर सकता है इसलिए एच इज इक्वल टू क्यों भी हो सकता है इसलिए एच प्रोपोर्शनल टू हो गया आई स्क्वायर आर टी तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी या क्यों टू आई स्क्वायर आर टी होगा नेक्स्ट वन है हमारा विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर करें किसी विद्युत उपकरण द्वारा इकाई समय में जो ऊर्जा खपत होती है उसे उसका विद्युत शक्ति कहते हैं यानी कोई भी सामान जो एक मिनट में या एक घंटा में या एक दिन में कुछ भी एक यूनिट में यानी कि इकाई समय में जो ऊर्जा खपत करता है जैसे हम कोई बल्ब लिए अगर वो बल्ब जला रहे थे अगर एक घंटा मान लो कोई मोटर ही ले लेते हैं ठीक है मोटर को अगर हम लगातार एक घंटा तक अगर चला रहे हैं तो एक घंटा मोटर चलने के बाद अगर वो हमारा क्या कर रहा है कि एक हज़ार ऊर्जा खर्चा कर रहा है एक हज़ार जूल मतलब एक हज़ार वाट अगर ऊर्जा खपत कर रहा है तो हमारा क्या कहला जाएगा विद्युत शक्ति कहला जाएगा ठीक है यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जो हो जाएगा पी बराबर क्या होता है कि ड पी बराबर यहाँ पे गलती नहीं लिखा होगा ना अच्छा विद्युत शक्ति का ऐसा वाट होता है ठीक है पी बराबर भी आई होता है चलो यहाँ पे ने लिखा आगे लिख देंगे हम विद्युत शक्ति का ऐसा आमता क्या होता है तो वाट होता है ठीक है अगला टॉपिक देख अगला पॉइंट देखते हैं कि पी इज टू हमारा क्या दिया गया यहाँ पे वन डब्लू कब कहेंगे जब वन जूल पर सेकेंड की बात होगी यानी कि P बराबर हमारा जो होना चाहिए P बराबर ठीक है W अपॉन T होगा यानी जो ऊर्जा खपत कर रहा है वो बाई टाइम ऊर्जा का मतलब क्या हो गया P बराबर W बाई टी क्यों लिखे तो ऊर्जा खपत करना क्योंकि कार्य का कार्ज होता है वही ऊर्जा होता है तो कार्ज जो मतलब ई हो गया तो या तो एनर्जी बाई टाइम लिख दे या कुछ भी डब्लू बाई टी लिखे यही हमारा क्या कहला जाता है तो हमारा पावर कहला जाता है ठीक है शक्ति तो अगर ऊर्जा का ऐसा माता जूल होता है तो अगर एक जूल अगर एक सेकंड में अगर खर्च हो रहा है यानी एक सेकंड में अगर एक जूल खर्च होगा उसी को कहा जाएगा वन वाट ठीक है पी वाट डब्ल्यू बाई टी ले सकते हैं या फिर और भी बहुत सारा फॉमूला हम लोग देखेंगे क्यू बाई टी भी हो सकता है पी बराबर क्योंकि चार्ज बटे टाइम और भी बहुत सारा फॉमूला सब होगा ठीक है अगला हमारा है पी बराबर वन वाट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या चीज़ तो विद्युत शक्ति का कैसा होता है एक वाट कब कहेंगे तो एक वाट जब कोई विद्युत उपकरण एक सेकेंड में अगर एक जूल नहीं बल्कि जूल होना चाहिए एक जूल ऊर्जा खपत करता है तो उसकी शक्ति को एक वाट कहा जाता है ठीक है विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक माध्यम व्यवसायिक मतलब जो हम लोग का जो बिजली बिल वगैरह आता है जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो होता है वन के डब्ल्यू एच किलो वाट घंटा वन किलो वाट घंटा ही इसको कहते हैं तो वन किलो वाट घंटा को याद है कि एक किलो का मतलब एक हज़ार और घंटा का मतलब सेकेंड में और चेंज करें क्योंकि जब भी ऊर्जा का मात्रा करेंगे तो सेकंड में होगा तो ये क्या हो जाएगा छत्तीस सौ तो एक हज़ार गुने छत्तीस सौ करेंगे तो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स जूल होना चाहिए यानी अगर कहा जाए तो नॉर्मली आपको याद रखना पड़ेगा कि वन के डब्लू एच है ना वन किलो वाट घंटा बराबर हो जाएगा एक किलो का मतलब हो गया एक हज़ार और गुने एक घंटा का मतलब हो जाएगा छत्तीस सौ सेकेंड अगर आप फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन आ तीन इधर यानी थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स ठीक है जूल हो जाएगा जूल पर सेकेंड सॉरी जूल सेकेंड हो जाएगा है ना पर सेकेंड जूल सेकेंड इतना जो हमारा क्या होता है एनर्जी होती है एक किलोवाट घंटा का मतलब थ्री पॉइंट ट्वेंटी पावर सिक्स जूल यही हमारा क्या कहला जाएगा तो एक यूनिट भी कहला जाता है अगला हमारा टॉपिक है अति भारण अति भारण को देखने के लिए कुछ फिगर को पहले ध्यान से देख लेते हैं इसको ज़्यादा समझ में आएगा इस फिगर के माध्यम से ठीक है पहले एक फिगर को देखते हैं ये फिगर को ध्यान से देखिए ये फिगर देख हैं गाड़ी है इसमें बहुत ज़्यादा आदमी भरा हुआ मतलब जोरस से ज़्यादा जोरस से जो ज़्यादा लोग हैं यही हमारा क्या कहला जाता है ओवरलोडिंग कहलाता है जिसको हम लोग अति भारण कहते हैं लिखे कि घरेलू विद्युत परिपथ में यदि ऐसे उपकरण लगा दिए जाए जो अधिक विद्युत धारा लेते हैं तो धारा कमान अचानक बढ़ जाने से उपकरण के साथ साथ विद्युत परिपथ नष्ट हो सकता है इसी को अति भारण कहते हैं यानी ओवरलोडिंग कहते हैं ओवरलोडिंग को समझने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ठीक है इसका फिगर ये देख लीजिए देखिए यहाँ पे एक प्लग है एक सॉकेट में कितना सॉकेट को लगा दिया गया है ये हमारा क्या कहलाया था है अति भारण क्योंकि उसकी क्षमता से ज़्यादा दे देना ही अति भारण कहलाता है नेक्स्ट टॉपिक है लघु पथन लघु पथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट क्या होता है अगर लिखे कि जब मेन से मेन मतलब कि जब मेन वायर लाइव वायर होता है उससे लगे ठंडा और गर्म तार किसी कारण से आपस में सट जाए तो प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है यानी अप्रॉक्स जीरो हो जाता है और धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा जब ये आर का वैल्यू जीरो होगा तो सिंपल सी बात है एक हम अभी पीछे देखे थे सुपर कंडक्टर जिसमें प्रतिरोध का वैल्यू अगर कम होता था तो इसमें क्या होता है विद्युत धारा बहुत ही तेजी से क्रॉस करता था तो सिंपल सी बात है जब हमारा प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाएगा तो धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा और जब धारा का मान अचानक बढ़ेगा तो इससे विद्युत उपकरण ख़राब हो सकता है इसी को कहा जाता है लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट ठीक है इसका फिगर देख लीजिए ये यहाँ पे देखिए दो गो तार है दोनों तार आपस में सट गया सटने की वजह से स्पार्क कर रहा है यही हमारा कहला जाता है शॉर्ट सर्किट लघु लघुपतन अगला हमारा विद्युत फ्यूज जिसका फोटो पहले ही दो गो दिख रहा है ये जो फ्यूज होता है घर में आपको देखने को मौका मिलता होगा मीटर के पास या घर में और भी बहुत सारे जगह पर फ्यूज होगा लिखिए कि यह सुरक्षा की एक युक्ति यानी ये क्या करता है एक सुरक्षा कवच का, का काम करता है सुरक्षा का युक्ति है विद्युत परिपथ में अति भारण और पथन से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है यानी कि लघु पथन शॉर्ट सर्किट और ये ओवरलोडिंग से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है विद्युत फ्यूज निम्न गलनांक वाले तार जैसे तांबा या टीन का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत फ्यूज का जो होता है वो बहुत जल्दी पिघलने वाला चीज़ होता है तो विद्युत फ्यूज क्षमता क्या है तो विद्युत फ्यूज की वह क्षमता जिसके ऊपर विद्युत धारा का मान बढ़ते ही वह गल जाता है गल लिखा के वो गल जाता है इसी को विद्युत फ्यूज क्षमता कहते हैं यानी इसी को कहा जाता है विद्युत फ्यूज का क्षमता कि जैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ेगा वो पिघल जाएगा और लाइन अपने आप कट जाएगा जब लाइन कट जाएगा तो सिंपल सी बात समझते हैं कि आसानी से क्या हो जाएगा हम लोग सेफ हो जाते हैं इसलिए इसको कहा गया है सुरक्षा की एक युक्ति है नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट का जो इस्तेमाल है विद्युत बल्ब बल्ब उम्मीद करता है आप सब देखे हुएगा पीला वाला सौ वाट का करें यह हाँ एक विद्युतीय यंत्र है जो हमें विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण प्रकाश यानी ये बल्ब जो होता है वो क्या होता है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या करता है बल्ब जलता है यानी उसमें इलेक्ट्रिक यंट जाती है वो गर्म होता है गर्म होने के बाद जलता है जलने की वजह से रोशनी देता है अब इसमें क्या क्या होता है वो देखिए पहली बात ये कांच का बना होता है जिसमें टंगस्टन यानी कि फिलामेंट का एक तंतु होता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है कितना तो तैंतीस डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है ये साथ ही साथ इसका प्रतिरोधकता भी अधिक होता है रेस्टांस का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है इसीलिए तंतु बनाने में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जल्दी गले नहीं या जल्दी गले नहीं तो बल्ब थोड़ा सा लंबा टाइम तक चलेगा टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए इसमें निष्क्रिय गैस भर है उसके बाद टंगस्टन में जो है अपने आप आग नहीं लग जाए या अंदर में आग न लगे उसके लिए कुछ नोबल गैस डाल दिया क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन कहीं पे उपलब्ध होगा तो आग लग जाएगा तो उसमें क्या कहता है ऑक्सीजन निकाल करके उस पर कुछ नोबल गैस निष्क्रिय गैस हीलियम आर्गन इस टाइप का गैस हीलियम आर्गन कैप्टन जेनर ये सब जो गैस सब है ये सब गैस डाल दिया है जिससे क्या होता है उसमें आग नहीं लगता है अगला क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं पहली बात बल्ब का ये बल्ब देखिए इस बीच में आपको स्प्रिंग टाइप का दिख रहा है अंदर में वो स्प्रिंग कहलाता है फिलामेंट टंगस्टन ठीक है ऊपर तो चारों तरफ कांच का बना हुआ है ठीक है अब वही फिलामेंट जो है उसको पिघलाने के लिए तैंतीस सौ अस्सी डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है जिसके कारण क्या होता है कि ये जल्दी पिघलता नहीं और बैल थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलता है उसके साथ साथ समझिए कि इस कांच के गिलास को अगर फोड़िएगा तो एक आवाज़ करेगा कारण क्या होगा आवाज़ करने का कि इसमें से पूरे गैस को निकाल दिया गया इसके अंदर है कौन सा गैस सिर्फ तो सिर्फ और तो सिर्फ नोबेल गैस है तो जब ये फूटता है तो नोबेल गैस अचानक बाहर निकलता है और जब अचानक बाहर निकलेगा तो अब इस बात है ब्लास्ट करेगा ठीक है चलिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत हीटर की डोरी यानी कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों तप्त तख्त नहीं तप्त होना चाहिए यानी गर्म नहीं होता है जबकि उसका तापन अवयव तप्त यानी गर्म हो जाता है तो कह रहा है विद्युत हीटर की डोरी मोटे तांबे का बना होता है इसीलिए इसका प्रतिरोध अवयव की तुलना में कम होता है और डोरी और अवयव से समान धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का मान अवयव में अधिक होता है जिसके कारण अवयव अधिक गर्म हो जाता है तथा अधिक गर्म हो जाता है तथा तप्त हो जाता है जबकि डोरी जो है गर्म नहीं होता है यहाँ पर तब नहीं तप्त लिखना चाहिए तप्त हो जाता है जबकि डोरी गर्म नहीं हो पाता है यानी तप्त नहीं हो पाता है इसीलिए उसका हीटर का जो डोरी होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता लेकिन जो हीटर होती है वो अच्छोली में गर्म हो जाता है तो चलिए आज के लिए मेरा टॉपिक इतना ही पे खत्म हो जाता है ठीक है तो याद रखिए कि जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एक्सल क्लासेज अभिषेक सर को जितने भी हमारे व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि अगला अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे ठीक है चलिए अगला आंसर सॉल्यूशन जो हम लोग लेके आएंगे वो एन का सॉल्यूशन लेके आएंगे जो बाईलिंग्वल होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन रहेगा दोनों बोर्ड के लिए वो सफिशियंट रहेंगे सी बी एस ई एज वेल एज बी एस ई बी और अगला चैप्टर ये चैप्टर हमारा लग हो यहाँ से कवर लेकिन बाद जो हमारा नोमिकल टाइप क्वेश्चन है वो सब है इसका जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय तब तक आप लोग घर पर रहिए सुरक्षित रहिए